फोन मैन सुकेश चंद्र के केस में ईडी ने नोटिस करा था जैकलिन फर्नांडिस के साथ साथ नोरा फतेह को भी, जिसकी वजह से उन्होंने इस केस में फंसने के बाद, परेशान होने के बाद ये एलिस्ट करा है कि जो जैकलिन है उनको जबरदस्ती इस केस में फंसा रही है, वो जबरदस्ती इसका नाम ले रही है। उन्होंने ऐसा कोई गिफ्ट या पैसे फोन मैन सुकेश चंद्र से नहीं लिए हैं। और इन सबसे परेशान होकर नोरा फतेह ने जैकलिन फर्नांडिस के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया है दिल्ली की पटियाला कोर्ट में अंडर सेक्शन 499 आईपीसी, जो कि एक डेफोमेशन यानी कि मानहानि का केस है। अब उनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आता है कि उन्हें कोर्ट को ये प्रूफ करना होगा कि उन्हें कौन मैन सुकेश चंद्र की वजह से और जैकलिन फर्नांडिस की वजह से जो भी रेपुटेशन उनकी डैमेज हुई है वो मॉनेटरी फॉर्म में कितना उनको लॉस बेयर करना पड़ा है। वो एक बार कोर्ट के सामने अपनी स्टेटमेंट रख दें, सफिशियंट प्रूफ रख दें, तो इसके बाद कोर्ट अपनी फर्दर प्रोसीडिंग चालू करेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि नोरा फतेह दिल्ली के पटियाला कोर्ट में कब आ रही है तो एक कमेंट करना ना भूलें। आपको पूरा प्रोसीजर मैं बताऊंगा कि वो कब तक कोर्ट में आती है, कैसे आप उसका केस को ट्रैक कर सकते हैं।